बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू क्लास 5। टुडे इज माई फर्स्ट लेक्चर एंड आई विल बी टीचिंग यू मैथ्स। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन इन द ब्लैक पॉइंटर एंड द आंसर इन द ब्लू फाउंटेन पेन। स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 1। ऑन पेज नंबर 1 यू हैव चैप्टर नंबर 1, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट नंबर्स। नंबर्स आर बेसिकली सिंबल्स दैट आर यूज फॉर काउंटिंग एंड मेकिंग कैलकुलेशंस। एंड ऑल्सो यू नो अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके पास 4 होते हैं, जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है आपके पास। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, बिलियन, न्यूमरल डिजिट, लेस देन, मोर देन, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेंट, प्रोडक्ट, कोशेंट, डिवाइडर, डिवाइजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो नो अबाउट द 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर एज वेल इन द क्लास 4। ऑन पेज नंबर 2 यू हैव नंबर्स अप टू 1 बिलियन। इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट, 9 डिजिट नंबर्स ऑक्युपाई द प्लेस वैल्यू अप टू 100 मिलियन। वी नो दैट द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 100 मिलियन। Yes, 100 million. And the biggest 9 digit number is 999,999,000. 999. If we add 1 to the biggest 9 digit number, we get a 10 digit number. Example, 999,999,999 plus 1 is equal 1 billion. This is called 1 billion. This 10 digit number is called a 1 billion. This number is placed in the international place value chart as shown below. Students, we call these boxes portion. These boxes portion, and we call these boxes periods. So, students, firstly you have unit period. In this you have first unit place, then tens place, then 100 place. And second period you have thousands. Thousands, firstly you have first place, 1,000, secondly 10,000, and last 100,000. And next portion is the millions. In this portion, you have firstly you have million place, second TM means TM stands for 10 million, and secondly you have 10 million, and thirdly HM stands for 100 million, and millions last one is 100 million, and next portion you have billions. In billions you have 3 places, but हम discuss करेंगे एक place को, यानी कि billion को. In unit you have one digit, and in 10 you have 2 digits, in 100 you have 3 digits, in 1000 you have 4 digits, and 10,000 you have 5 digits, in 100 you have 6 digits, and million you have 7 digits, and 10 million you have 8 digits, and 100 million you have 9 digits, and 10 digits number is called billion. Students, you have some examples from the given place spaces in the 10 digit number 45269182 in the international system. ये आपको नंबर दिए गए हैं, इसमें आपने इंटरनेशनल सिस्टम के लिहाज से स्पेस इंसर्ट करनी है।
पहले हम कॉमा इंसर्ट किया करते थे, अब कॉमा को रिप्लेस कर दिया गया और स्पेस इंसर्ट की जाती है। 3 digits के बाद, यानी कि हर पोर्शन के बाद, या आपके पास प्लेस वाले चार्ट में पोर्शंस बने हुए हैं जो, इनके बाद हम यहाँ पे स्पेस इंसर्ट करेंगे। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद स्पेस आएगा, मिलियन, 10 million, 100 million, 100 million के बाद हमारे पास क्या आएगा, स्पेस आएगा, देन हमारे पास यहाँ पे बिलियन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, 6, 9, 8, 5, 2, 6, 1, 8, 0, 7 is 6,985,261,807. So next example is write the number in figures. यहाँ पे आपको in words में दिए गए हैं, आपने इसको in figures में करना है। 80,333,446,278. सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने 80 billion बोला, यहाँ पे 8 billion है। 8,333,446,278. एग्जाम्पल 4, वॉट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। हमने रिंग डिजिट की वैल्यू बतानी है। इसमें रिंग डिजिट हमारे पास क्या है, हम यहाँ से काउंट करते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000 and 100,000,000. सो 9 इज द 100 million। हम 9 इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारे पास 9 की जो रिंग डिजिट है उसकी क्या वैल्यू है। यूनिट 3, टेंस में 7, 800, 1,006, 10,008, 100,004, 1,002,000, 10,008,000 एंड 100,000,000 इज 9। 9 क्या है हमारे पास, 100,000,000। स्टूडेंट पुट द डेट एंड डे, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1,000,000 इज अ डैश डिजिट नंबर्स। डैश डिजिट नंबर स्टूडेंट, सो काउंट विद मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 7-digit number। Part B, the place value of the ring digit in 5, 2, 9, 9, 2, 8, 7 is dash। Student, put this value in the place value chart. So count with me, unit 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000 and 1,000,000, 5,000,000, 5,299,287 is 5,000,000. Part C, complete the sequence, 3, 5, 0, 3, 0, 1, 8, 6, 35,030,186, 35,030,286, 35,030,486। स्टूडेंट रफ वर्क में मैंने आपके लिए वैल्यू, आपके लिए इजी हो जाए, मैंने इसलिए इस तरह राइट किए, आप लोग इसको देख लें। 35,000,000 सेम है सब में, इसलिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया। एंड 30,000 भी सब में सेम है, तो मैंने इसलिए 30,000 भी सेम लिख दिया। हमारे पास रिप्लेस कौन सी वैल्यू हो रही है, 100 की वैल्यू, 1, 2, then 3, 4। द आंसर इज 35,030,386।
पार्डी द नंबर 50,000 मोर देन 261,835,500 इज. स्टूडेंट मोर देन मीन्स एडिशन. हम मोर देन का मतलब आपने पहले भी पढ़ा है कि प्लस करना होता है. मोर देन का मतलब हमने 50,000 को इस वैल्यू में ऐड करना है. तो हमने प्लस किया, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड किया ज़ीरो, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड किया ज़ीरो, फाइव में ज़ीरो फाइव, फाइव इंटू ज़ीरो फाइव, थ्री इंटू फाइव एट, एट एज इट इज़, वन एज इट इज़, सिक्स एज इट इज़ एंड टू एज इट इज़. 261,885,500. The answer is 261,885,500. Part E, the place value of 9 in the number 9813141110 is dash. Count kijiye mere saath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 million. So this answer is the 900 million. Students, start question number 2. State whether the following are true or false. Part A, as per the international place value chart 6198457086 is written as. Yes, true. क्योंकि हमारे पास तीन वैल्यू के पास स्पेस होने चाहिए. यहाँ पे तीन वैल्यू के पास स्पेस है, यहाँ पे भी तीन वैल्यू के पास स्पेस है और यहाँ पे भी तीन वैल्यू के पास स्पेस है. तो ये ट्रू है. पार्ट बी, द नंबर 200 लेस देन 42,698,200 में से हम इसको माइनस करेंगे 200 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 42,698,010. यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास आंसर उन्होंने क्या दिया है, आपके पास उन्होंने आंसर दिया है आपको 42,698,200. तो ये फॉल्स है, दिस इज़ अ फॉल्स. एंड पार्ट सी, द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज़ 10 million. फॉल ट्रू और फॉल्स? 10 million. 10 million काउंट कीजिए. हमारे पास 9 डिजिट नंबर है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नो, ट्रू फॉल्स है, दिस इज़ फॉल्स. एंड पार्ट डी, द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन 78,193,156 इज 100,000. 100,000, यस, ट्रू. पार्ट ई, इन द इंटरनेशनल सिस्टम 4598260000 इज रिटन एज. मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया है कि थ्री नंबर्स के बाद हमारे पास स्पेस आएगा, जबकि यहाँ पे फोर नंबर के बाद स्पेस है, तो ये फॉल्स है. ऑन पेज नंबर 3 यू हैव क्वेश्चन नंबर 3. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. पार्ट ए, 3,735,205 इन फिगर्स इज 3,735,205. Part B, in international place value chart TM means, capital TM means 10 million. And part C, 200 million is a dash. 200 million is a dash, 9 digit number. Students, on page number 4 you have part D, put the date and day first. Part D, which of the given number match with the expanded form. Expanded form में आपको ये number दिया गया है, आपने इसको standard form में convert करना है. Standard form में convert करेंगे तो option आएगा 6 million
6725, पार्ट ई 9786120016 रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में जब आप इसको प्लेस वाले चार्ट में पुट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा 9,786,120,016. फ्रेंड टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट द नेम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट, क्लास एंड सेक्शन ऑल्सो, एंड ओपन योर नोटबुक एंड मेंटेन योर इंडेक्स, राइट टर्म वन एंड काइंडली मेंटेन योर इंडेक्स ऑन टाइम। Make a title page of term 1 and on second page make title page of chapter number 1, topic numbers and arithmetic operations. Put the date and day also. Draw the headline and margin and put the date, day, exercise 1A, page number 4. On page number 4 you have question number 4. Write the following numbers in words. Part A 1500000. हमने इसको वर्ड्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 1,500,000. Part B 16,000,000. ये आपके पास आंसर है 16,000,000, ये आप लोगों ने खुद लिखना है। Part C 34,800,000. ये भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। पार्ट डी 78,790,790. सो स्टूडेंट्स काइंडली कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड राइट नीट एंड क्लीन योर वर्क।